जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि DLRL अप्रेंटिस भर्ती 2022 के बारे में, और साथ ही इस भर्ती का आपको कैसे फॉर्म भरना है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि इस भर्ती का अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के 12 से 18 फरवरी 2022 के एडिशन पर किया गया है, और पेज नंबर 33 पर आप इस भर्ती की जानकारी देख सकते हैं। आप यहां पर पूरी जानकारी अच्छे से देख सकते हैं कि यह भर्ती आपकी कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी पर निकाली है, सैलरी आपको क्या दी जाएगी उसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है, और अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपसे ITI की योग्यता मांगी है, और जो आपकी ITI है वो आपकी रेगुलर होनी चाहिए, और ये ITI आपने 2019, 2020, 2021 के अंदर की हो तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो आपको ये जो फॉर्म भरना है वो बेसिकली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में भरना है। वो कैसे, आपको क्या करना है, पहले तो आपको apprenticeshipindia.gov की वेबसाइट पर जो कि ये है इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपको इसके ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और अप्लाई कैसे करना है इसका प्रोसेस आप लोग जान लीजिए। तो मैंने हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट जो है jobsgyan.in इसका लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 37 है, जॉब लोकेशन आपकी हैदराबाद रहेगी, और आप लोग इस फॉर्म को 22 फरवरी 2022 तक भर पाएंगे। तो आपको ये सब जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है और ITI अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहां पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है UA Lite, जो कि एक न्यू प्रोडक्ट है जो कि फिलहाल अनअकैडमी ने आपके लिए लॉन्च किया है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी आपके UPSC प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और जिसका जो अर्ली बर्ड ऑफर है यानी कि आपको कम से कम जो ऑफर दिया जा रहा है इसको परचेज करने के लिए वो 3,149 है, जो कि काफी कम है। तो आपको इसको इनरोल करना है। इनरोल करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर आप मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अतिरिक्त 10% की छूट भी मिल जाएगी। अगर बात करें इस सीरीज के अंदर आपको यहां पर क्या क्या मिलेगा, तो आपको यहां पर वीकली टेस्ट सीरीज मिलेगी, एनालिसिस बाय टॉप एजुकेटर यानी कि जो टॉप एजुकेटर है अनअकैडमी के उनके द्वारा एनालिसिस यहां पर किया जाएगा, लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका इंडेक्स भी आप यहां पर इस सीरीज को परचेज करने के बाद में देख पाएंगे, जो कि काफी अच्छा प्लान मुझे अभी इसके बारे में जानकर के लग रहा है, और ये आपके लिए भी काफी फायदेमंद होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए, और कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये वीडियो वॉच करके इस वेबसाइट के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका प्रोसेस जान लेना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपको यहां पर क्या करना है, इस वेबसाइट पर फिर से आना है और डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। अब ये आपको फॉर्म भर करके ईमेल के ऊपर सेंड करना है, ना कि ऑफलाइन वे में। तो चलिए मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है इस वेबसाइट के ऊपर, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, तो ये आपको कैसे भरना है इसका प्रोसेस आप यहां पर देख लीजिए। तो आपको NATS NAPS यूजर आईडी यानी कि जो आपकी यूजर आईडी है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप कह सकते हैं वो है, वो आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद आपको बताना है टू पॉइंट में कि आप इनमें से कौन सी ब्रांच या फिर कौन से ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं। जिस भी ट्रेड पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पर आपको राइट टिक लगाना है। फिर आपको तीसरे पॉइंट में आपका नेम लिखना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। फोर्थ पॉइंट में आपको आपका फादर नेम लिखना है, और पांचवें पॉइंट में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। फिर सिक्स पॉइंट है आपका डेट ऑफ बर्थ का, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो आपको लिख देनी है। सेवन पॉइंट में आपको आपकी जो भी कैटेगरी है उसके ऊपर राइट टिक लगाना है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह का सही का निशान आपको लगाना होगा। एट पॉइंट है ईमेल एड्रेस, यहां पर आपको ईमेल आईडी देनी है, वही ईमेल आईडी दीजिएगा जो कि आपने apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की है। फिर आता है आपका मोबाइल नंबर, यहां पर आपको मोबाइल नंबर देना है, अगर दो नंबर है तो दोनों लिख दीजिएगा कोमा लगा करके। 10 पॉइंट में आपको आधार नंबर अपना देना है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 11 पॉइंट में एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको 11 पॉइंट में भरना है। फिर आता है 12 पॉइंट परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है 11 पॉइंट में वही आपको 12 पॉइंट में भर देना है। 13 पॉइंट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपको 10th ITI की जानकारी देनी है, साथ ही मार्कशीट एंड कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। तो आपको कैसे जानकारी भरनी है वो आप जान लीजिए। SL नंबर के अंदर आपको 1 लिखना है, एग्जामिनेशन और डिग्री के अंदर आपको सबसे पहले 10th लिखना है, बोर्ड में आपको बताना है कि आपने कौन से बोर्ड से 10वीं की है। फिर आपको यहां पर सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट लिखना होगा 10th की जानकारी में। ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि कौन से साल के अंदर आपने पास कर ली थी। क्लास डिवीजन में बताना कि फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट डिवीजन थी, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो जो भी आपकी क्लास थी वो आपको यहां पर लिख देनी है। ओनली परसेंटेज मार्क्स मैंडेटरी यानी कि आपको यहां पर सिर्फ 10th की परसेंटेज लिखनी है कि आपकी कितनी परसेंटेज थी। फिर आएगा सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में यहां पर आपको सीरियल नंबर के अंदर 2 लिखना है। अगर आपने 12वीं की है और आप उसकी जानकारी देना चाहते तो आपको एग्जामिनेशन डिग्री के अंदर 12th लिखना है। बोर्ड में बताना है कि आपने कौन से बोर्ड से की है। सब्जेक्ट का के अंदर आपको PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स, जिससे भी आपने की है वो आपको बताना होगा। पासिंग ईयर में आपको यहां पर 12th सॉरी ये बताना है कि आपने 12th कौन से साल के अंदर की है, डिवीजन बतानी और अपनी परसेंटेज लिख देनी है। फिर तीसरे में आपको तीसरा नंबर डालना है। एग्जामिनेशन डिग्री के अंदर आपको ITI और आपके ट्रेड का नाम लिखना है, या फिर आप सिंपली ITI का नाम लिखेंगे तो वही ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ट्रेड के लिए आपको अलग से ऑप्शन दिया है। तो आपको यहां पर आपका ITI लिखना है एग्जामिनेशन डिग्री के अंदर। बोर्ड में बताना कि आपने आपकी ITI NCVT के द्वारा की है या फिर SCVT के द्वारा। और ट्रेड के अंदर आपको बताना है कि आपने कौन से ट्रेड में की है। पासिंग ईयर बताना है, डिवीजन यहां पर लिख देनी है और अपने परसेंटेज लिख देनी है। ये लिखने के बाद आपको यहां पर डेट में डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। पहले इसमें आपको बताना है कि आपने कौन सी जगह से इस फॉर्म को भरा है और यहां पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। अभी आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अब ये आपको कैसे और कहां पर सेंड करना है उसकी जानकारी आप यहां पर देख लीजिए। तो आपको यहां पर हाउ टू अप्लाई में कहा है कि पहले आपको apprenticeshipindia.org की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, जो आपको अनेक्स्टर ए दिया है जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको बताई है, ये फिल करने के बाद में आपको जो आपके डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट उनको एक PDF फाइल के अंदर बना लेना है। आपको जो भी आपकी जैसे कि 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट को एक फाइल के अंदर बनाना है और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको भी। और फिर आपको PDF फॉर्मेट जैसे ही बन जाएगा इसको इस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करना है जो कि है dlrlpost@dlrl.drdo.in। इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको अपने इस फॉर्म को सेंड करना है। आपको यहां पर 10 दिन दिए हैं इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद के लिए, यानी कि 12 से लेकर के 22 फरवरी 2022 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इन डॉक्यूमेंट के साथ में आपके फॉर्म को सेंड करना है, जिसमें कि 10th की मार्कशीट, अगर आपने 12वीं किया तो 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, फिर आपके जो आपकी ITI सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी, अगर आप SC ST OBC है तो उसके सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट को आपको और आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म को PDF के अंदर कन्वर्ट करके दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करना है। इसके अलावा कहीं और पर सेंड करने की आपको आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। इस एप्लीकेशन या फिर कह लीजिए कि इस फॉर्म की जानकारी हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको दे दी गई है। आप यहां पर पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं, शॉर्ट में भी आपको दी गई है और डिटेल्ड में भी आपको दी गई है। और इस नोटिफिकेशन से तो आप यहां पर ट्रेड वाइज आपकी वैकेंसी देख ही सकते हैं कि कौन से ट्रेड पर आपकी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो बस यही थी जानकारी। जानकारी अगर आपको पसंद आई है आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।